ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा काम जो है उस लड़की की वजह से हुआ है, सारी की सारी जिम्मेदारी वो लड़की की। अपराधियों के मनोबल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और गोली चलाना और गोली से किसी को मार देना आम बात हो गई है। ताज़ा मामला सिवान जिले के रामराजे मोड़ के पास कॉमर्स कोचिंग सेंटर का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई। वहीं कोचिंग संचालक सोनू कुमार ने बताया कि एक दिन पहले ही एक लड़की जो उनके कोचिंग में पढ़ती है तथा उसके साथ आए कुछ लड़कों से उनकी बकझक हुई थी, उन्हीं लड़कों का हाथ हो सकता है, इस बात का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। जी, मामला ये है कि मैं सोनू कुमार जो कॉमर्स अकेडमी पे अपना क्लास चलाता हूँ, तो एक लड़की है जो काफ़ी मेरे यहाँ से काफ़ी दिन से पढ़ रही थी और उसका मोबाइल चोरी होने के कारण वो कुछ दिन तक क्लास नहीं है। क्लास नहीं आने के कारण वो कल, मतलब कि कल 4 तारीख को क्लास आई थी, तो कह रही थी सर हम क्लास नहीं करेंगे, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। उसके साथ कुछ लड़के भी आए थे, जो 20-22 लड़के थे, वो लोग आए और बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ कि सर इसका पैसा दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम बोले बाबू पैसा रिटर्न करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो वो लोग चला गया, जाने के बाद से फिर वो लोग, आज वो लड़की आई थी पढ़ने के लिए, क्लास चल रहा था ठीक ठाक, तो फिर वो लड़की क्या की कि वो लड़कों लोग को बुलाई। हम बोले कि भाई पैसा अपना लेना है तो ले लो, बुला लो जिसको लड़का को बुलाई तुम फिर लड़का को बुला लो। वो लड़का लो आया था, लोग काफ़ी 7-8 लड़के थे, लोग बाहर कुछ हाथा भाई हुआ, हम क्लास में थे, क्लास में थे, वो लड़की जो है वही बुलाई थी लड़का लोग को, फिर वो लोग लड़का लोग आया लोग फिर चला गया, कुछ हाथा भाई हुआ, कुछ गाली गलौज हुआ, फिर लड़का लोग चला गया। जाने के बाद कुछ देर के बाद और हम भी क्लास अपना ऑफ करके चले गए नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के बाद पता चला हमको कोई कॉल किया है ऐसा कि कोचिंग पे पुल पे ब्रिज के सामने से कोचिंग पे कोई फायरिंग किया है, तो उसी के सिलसिले में ये जो है काम हो रहा है अभी। पर नाम वो हमको पता नहीं कि कौन लड़के थे, कोई लड़के का हमको जानकारी नहीं है। इसकी हमारी कोचिंग में पढ़ती है, लड़की का जानकारी है, उसका एड्रेस है, नंबर है, अभी बात हुई भी है उससे। मैं सोनू कुमार, प्रशासन के लोग आए थे। हाँ, प्रशासन के लोग आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अपना परिचय, मैं सोनू कुमार, रामराज मोड़ पे ही मेरा घर है। क्या हुआ, कोचिंग का नाम क्या है? क्या कॉमर्स अकेडमी, मेरा कोचिंग का नाम है, मेरा संस्था का नाम है कॉमर्स अकेडमी। और मैं कोचिंग क्या है, मैं कोचिंग का मतलब टीचर हूँ, डायरेक्टर हूँ, सब कुछ मैं ही अकेले ही अपना रन करता हूँ अपनी कोचिंग को।